हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं नया वीडियो डालने लगा हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं आंवले का अचार। तो ये हमारे गार्डन से हम फ्रेश आंवला लेके आए हैं, तो इनको धो के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक आंवला हैं ये, तो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और ये जो अचार की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल अचार की रेसिपी है और इस तरह से बना अचार सालों तक ख़राब भी नहीं होगा। तो देसी चूल्हे पे इसे हम बनाने लगे हैं। सरसों का तेल एक कढ़ाई में, धुआं आने तक इसको गर्म करना है और इसके बीच में हम डालेंगे आंवले और आंवलों को फ्राई करना है अच्छी तरह से, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं मम्मी, जो कि अचार बनाने लगे हैं। तो आंवले इसमें हम अच्छी तरह से तल लेंगे ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। आंवले की जो स्किन है वो निकलना शुरू हो जाएगी, तो इसको आप एक बार चेक करके देखें, अच्छे से आंवला सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल गर्म तेल में, सरसों के तेल में इसको हमने तला है, तो धुएं से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देता है अचार में। तो आंवले हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही कम इसमें मसाले डलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टाइम एंड टेस्ट, और दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये देखिए, आंवले हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसी के अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग, चीनी, अजवाइन और नमक इसमें हमने डाला है। तो आंवलों के हिसाब से इसमें जैसे मसाले बहुत कम डलते हैं, तो ये सारे मसाले डाल के अच्छे से इसमें आंवले के साथ मिक्स कर लेंगे। तेल इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि आंवलों को हमने तेल में ही तला हुआ है। तो ये देखिए, बिल्कुल थोड़े से मसाले इसमें डाले हैं, आंवले के अच्छे से मिक्स हो गए। और इसे ठंडा होने दें और उसके बाद शीशे के मर्तबान में डाल के 5 से 7 दिन धूप लगाएं। उसके बाद आंवले का अचार आपका रेडी है, जो कभी ख़राब नहीं होता। 5 से 7 साल आराम से निकाल देता है ये। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी आंवले का अचार हमारा रेडी हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।